Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. आज आप equation for the frequency of an electron और उसके साथ जो है from the energy of the electron से drive करना सीखेंगे. ये topic जो है exam में बहुत बार आ चुका है इस हवाले से. Today's topic is the equation for the frequency of an electron in energy level. के एक energy level से दूसरे energy level में अगर electron jump कर रहा है, transition हो रही हैं, तो उनके लिए इनमें से क्या जो है frequency release होगी या कितनी frequency उसको चाहिए. According to Planck's quantum theory के हवाले से एक equation है. Delta E is equal to h nu, या इसको हम लिख सकते हैं h nu is equal to delta E. इस सिंबल को डेल्टा पढ़ा जाता है. डेल्टा मकसद है चेंज. अब चेंज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि हायर वैल्यू से मींस के फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट की जाती है. तो डेल्टा ई मकसद है एनर्जी टू माइनस एनर्जी वन, कि वो एनर्जी जो हायर एनर्जी लेवल से माइनस करेंगे लोअर एनर्जी लेवल, इनके दरमियान जो है एनर्जी का डिफरेंस आएगा उसे हम कहेंगे डेल्टा ई, जो कि बराबर होगा एच न्यू के. एक कहा जाता है प्लांक्स कांस्टेंट को 6.625 × 10⁻³⁴ जोल सेकंड, जो कि उसकी वैल्यू है, जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. इस सिंबल को न्यू पढ़ा जाता है और इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब फ्रीक्वेंसी एक्चुअली द नंबर ऑफ साइकल्स और वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर जितने सर्किल जो हैं कंप्लीट लग रहे हैं या जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं सिंपली फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स है या साइकल्स पर सेकंड है, पर सेकंड भी कहा जाता है. सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अब इसके लिए एनर्जी वन और एनर्जी टू से हम इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे. एनर्जी वन जो है −2π² mz² एन वन जो है जो फर्स्ट शेल है जो लोअर एनर्जी लेवल है उसके लिए नंबर ऑफ शेल वन है और एच का स्क्वायर प्लांक्स कांस्टेंट का स्क्वायर है. अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन वन. उसके बाद हम लिखेंगे एनर्जी टू के लिए वही सेम इक्वेशन, सिर्फ डिफरेंस जो आएगा वो एन वन लिखेंगे लोअर एनर्जी लेवल के लिए, हायर एनर्जी लेवल के ई टू है तो एन टू भी जो है उसके लिए हम N2 लिख देंगे. अब इसमें डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अब ये वैल्यूज़ जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे E2 माइनस E1. E2 की पूरी जो ये वैल्यू है हमने लिख दी −2π² mz² अपॉन N2² h² माइनस, ये माइनस का सिंबल लगाया. अब ये पूरी वैल्यू जो है E1 के लिए है, N1 का स्क्वायर है, बाकी सेम है दोनों में. अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो एन वन स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो सब प्लस में हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये माइनस में ही रहेगी. तो इसको सिंपलिसिटी के लिए जो ई वन है वैल्यू इसकी जो आफ्टर दी मल्टीप्लाई माइनस का सिंबल करने के बाद, तो इसको हम पहले लिख देंगे, इसको हम बाद में लिख देंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली वैल्यू बाद में. तो वही यहाँ पर मैंने स्टेप थ्री या इक्वेशन थ्री में लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू 2π² mz² ⁴ / n² कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस वैल्यू हो गई n1 की वो हमने यहाँ पे लिख दी n² h². उसके बाद माइनस जो है ये वाली इक्वेशन जो है हम बाद में, तो एक तरतीब में लिखने के लिए हमने प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दी और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख दी. तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई, n² वाली इक्वेशन पहले और n² वाली इक्वेशन बाद में. n² वाली इक्वेशन में माइनस आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला क्या है, इसका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद हम इनमें कॉमन लेंगे. कॉमन का मकसद यह है कि ऐसे टर्म्स जो दोनों इक्वेशन में सेम टर्म्स हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए आप इसमें फोकस करेंगे कि 2π² mz² ⁴ और जो है h², इसमें भी 2π² mz² ⁴ और h², सिर्फ डिफरेंट क्या है n1 और ये n2. तो कॉमन हमने इसके अंदर ले लिया 2π² mz² ⁴ / h², ब्रैकेट में हमने लिख लिया 1/n1² - 1/n2². अब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2π² mz² ⁴ 1/1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो /n1² मीन्स ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी. उसके बाद इस टर्म को -n2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. तो सिंपलिसिटी के हमने
कॉमन ले लिया ये वाला और 1 अपन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपन एन टू स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में, कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब स्टार्टिंग वाली इक्वेशन से हम फोकस करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि डेल्टा ई की वैल्यू इसके बराबर है। अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ ये एच भी है, ये एच जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपन एच हो जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा कि इस पूरी इक्वेशन में एच स्क्वायर है तो एच ये वाला एच एक और आ जाएगा प्लांक्स कांस्टेंट, तो ओवरऑल इक्वेशन जो हो जाएगी वो 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपन एच क्यूब, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपन एन टू स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओवर। इस तरह से ये इक्वेशन फॉर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है ड्राइव हो चुकी है। तो तीन स्टेप्स में मैंने, चार स्टेप्स में इसको सॉल्व किया, एनर्जी 1 एनर्जी 2 फिर उसका डिफरेंस ले लिया, फिर कॉमन लिया और उसके बाद जो है न्यू की वैल्यू जो है एच जो है इसमें एक और जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, अल्लाह हाफिज़।